मतलब उनको ये अंदेशा था कि ज्यादा माल मिलेगा। हाँ, वो तलाश हो रहा है वो सब। ये फुटेज जो अभी आपने देखी, ये कोई और शहर की नहीं बल्कि आपके शहर हल्द्वानी की है। बरेली रोड तीन पानी स्थित श्याम मार्बल में रात 8:30 बजे कुछ हथियारबंद लोगों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार तीन लुटेरे देखे जा सकते हैं। ये लुटेरे नकाब पहने दिखाई दे रहे हैं। दुकान स्वामी के अनुसार 2000 रुपये नकद और एक मोबाइल की लूट होना बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसएसपी महोदया के निर्देशानुसार पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी की और चेकिंग अभियान चलाया। वहीं दूसरी ओर सुबह तक लुटेरों का कोई भी सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसमें कि पुलिस अभी भी छानबीन में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेकर लुटेरों की तलाश की जा रही है, लेकिन लुटेरों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ये आगे से ये आए ये साला पिस्टल दिखाया। दो पे तमंचे हैं, अच्छा इसके दिमाग में होगा कि पैसे ज्यादा हैं। हाँ, दिमाग में इनके ये है। जींस है नीचे, एक पीछे बैग, ये बैग लगाया है, बैग इसका बैग जा रहे थे बस। वैसे तो हम साथे कैमरों में, वैसे तो हम 5-6 लोग हैं, बाकी पीछे थे सारे। ये पीछे के रास्ते आए चौधरी जी, आगे से तो आए, सामने से आ रहे हैं। उस समय खुला था, मतलब उनको ये अंदेशा था कि ज्यादा माल मिलेगा। हाँ, वो तलाश हो रहा है वो सब। पहले देखते ही होगा तो दिन में ना, कैसे दिन में क्या है तो आइडिया होगा ही। क्यों ठीक है, बहुत अच्छा दिखता है। दूसरी चीज़ ये जूते, जूते से भी जानना आएगा। दूसरी चीज़ ये है ना, थोड़ा सा उन्होंने जैकेट डाली है, तो मैं रात के बासिंदा है, लंबे रूप है, सही कह रहा हूँ। एक में आदमी से काम करता है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे दो लोग पहले हेलमेट पहने नकाबपोश में अंदर आए और उन्होंने एक व्यक्ति को धक्का मुक्की करनी शुरू की। उन तीनों के हाथों पे अलग अलग बंदूकें थी, जिससे वो उनको डरा रहे थे। डरा समहा माहौल था और देखते ही देखते वो उन पर बंदूक साधने लगे। दो लोगों के हाथ पे बंदूक नज़र आई, लोग काफ़ी डरे हुए थे। सीधे काउंटर खोला गया और काउंटर से, जैसे कि आप लाल घेरे के अंदर देख रहे हैं, कि एक व्यक्ति ने बंदूक अपने हाथ के पीछे और दूसरे व्यक्ति ने बंदूक उन पर तानी हुई थी। लाल घेरे पर आप देख पा रहे हैं कि बंदूक को किस तरह से ताना गया था और फिर ड्रॉर खोलकर उन नकाबपोश लोगों की ख्वाहिशों को पूरा किया गया। उनको वहां से पैसे दिए गए, मोबाइल उनके द्वारा छीना गया। इस तरह से हल्द्वानी लगातार सहमा हुआ है, व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है।